कितने गहन और सघन होते हैं रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में हमेशा हरियाली रहती है। यहाँ के पेड़ पौधों की लंबाई भी विशेष होती है। साथ ही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जो सामान्य जंगलों में नहीं मिलती है। इक्वेटर भूमध्य रेखा के पास घने जंगल हैं। इन्हें रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। चूंकि इक्वेटर के पास किसी प्रकार का मौसम परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि यह न तो सूर्य के पास होता है और न ही दूर, जैसा कि पृथ्वी के उत्तर व दक्षिणी हिस्से के साथ होता है। इक्वेटर पूरे साल लगभग गर्म रहता है और यहाँ साल भर वर्षा होती है। साउथ और सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में रेन फॉरेस्ट है। पेड़ पौधों को बढ़ने और फलने फूलने के लिए जैसा मौसम चाहिए, वैसा ही मौसम रेन फॉरेस्ट में पूरे साल बना रहता है। यही वजह है कि रेन फॉरेस्ट में उगने वाले पेड़ पौधे इतने लंबे और घने होते हैं। किसी किसी पेड़ की ऊंचाई 150 फीट से भी ज्यादा होती है। ऐसा लगता है कि ये पेड़ आसमान में पहुंच जाएंगे। जंगल के निचले हिस्से में जहां सूरज की किरणें सही तरीके से नहीं पहुंच पाती हैं, तो वहां कम हरियाली होती है, लेकिन यहां कई प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं पाए जाते। इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 70 लाख वर्ग किमी है। रेन फॉरेस्ट को जैव विविधता का केंद्र कहा जाता है, क्योंकि यहां जीव जंतुओं और वनस्पतियों की बेशुमार किस्में पाई जाती है। यहां 17,000 किस्मों की पक्षियों और 700 किस्मों के सांप और पशु पाए जाते हैं। पेड़ पौधों की 50,000 से भी अधिक किस्में पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों के सर्वे के अनुसार यहां मात्र एक वर्ग हेक्टेयर में 480 से ज्यादा पेड़ पौधों की किस्में मौजूद हैं।